हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रिंस की रंजना पे। और ये आज का जो वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो आप लोग देख रहे हैं इस पे, बताइए ये वाला कैसा लग रहा है लॉकेट, जो कि है प्रिंस की रंजना। तो अभी आज आप लोगों को ये फाइनली दिखाने वाली है कि आप लोग भी, आप लोगों के पास तो बहुत सारा सामान होगा, लेकिन इनके पास जो सामान है, जो ड्रेसिंग में इन्होंने अरेंज करके रखा है, वो आज शेयर करने जा रही हैं। तो स्माइल कर सकते हैं सब लोग। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रंजना के लिए और मम्मी के लिए दही बाड़ा लाने, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, जो कि मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को एंजॉय कीजिए। और रंजना से जहाँ गलती हो रहा है, जैसा आपको चाहिए ब्लॉग, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाती है कि क्या सूट करें। लेकिन हमें बोला कि कुछ भी डालो, क्या पता कहीं पब्लिक खुद तुमको सिखा देंगे बोल के, इसलिए मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ ये क्या डाल रही है। पर वही डालो जो नया हो, जो हम नहीं डाले हों या अलग हो वो। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे बोल रहे मेरे को, जहाँ जमा गाइस इनको देख सकते हैं आप लोग, ये बोल रही हैं कि मुझे मेडिकोर करना है, जो कि 2500 रुपया लगेगा हर मंथ। 2500 रुपया लगेगा, कौन बोलती है 2500 रुपया लगेगा, तुम क्यों बोल रही हो? वो नहीं, वो तो फेशियल क्लीनर मतलब सब कुछ। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि इनको एक ब्यूटीशियन का कोर्स कराने का। और ये सब मैं हमेशा नहीं करवाती हूँ, सिर्फ मेरा आईब्रो जो है वो मैं मतलब कि हर मंथ में 2 मंथ में बनवा लेती हूँ, नहीं तो वो भी बहुत कम ही होता है कि मैं बनवाती हूँ, नहीं तो खैर चलिए वो सब रहने देते हैं। और अभी चल रहे हैं ये क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा बहुत काम भी है तो मैं कर लूँ नाश्ता पानी बनाने। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर मैं बेड उड सब अच्छे से अरेंज करती हूँ और अब उसके बाद मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये रहा मेरा ड्रेसिंग, तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे सब अच्छे से अरेंज कर कर रखी हूँ। बाकी यहाँ ऊपर में भी है, ये सब मैं कर कर रख देती हूँ, हमेशा तो नहीं लेकिन हाँ। अभी डस्ट वगैरह, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैं सब कैसे अरेंज कर कर रखी हुई हूँ, अरेंज कर कर रखती हूँ, लेकिन डस्ट वगैरह पड़ जाता तो मैं हमेशा और झाड़ देती हूँ और झाड़ कर रख देती हूँ। बाकी यहाँ पे भी है इनका, मैं इनका इनके थी में रख देती हूँ। बाकी ये इलेक्ट्रिक वाला चीज़ें तो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे भी है कुछ थोड़ा बहुत सामान, तो मैं इसमें सब अच्छे से अरेंज करके डाल देती हूँ। तो बस यही है। और उसके बाद अब मैं चल रही हूँ इसमें का दिखाते हैं, जो कि यहाँ भी ऊपर में कपड़ा मैं रखी हूँ ये वाला पोर्शन में, और उसके बाद फिर मैं यहाँ भी रखती हूँ सब अरेंज कर कर कर, क्योंकि बाकी नीचे भी है, सबसे नीचे वो सब है, तो इसको भी मैं सब अच्छे से अरेंज कर दी हूँ अभी। बाकी ये थोड़ा उतना अच्छे से अरेंज नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान हो चुका है, तो मैं यहाँ पे भी ऊपर सब कपड़े बिगड़ा ही रखी हूँ। फिर इसमें भी सब साड़ी उड़ी है, सब देखिए सब कैसे एकदम अच्छे से अरेंज कर कर रखे हैं। और यहाँ पे मेरा तो सब जो भी चूड़ियाँ वगैरह है और भी कुछ कुछ सामान है, तो वो सब मैं देखिए सब कैसे अरेंज कर कर रखे हैं। तो बस यही है। बाकी आपको इसमें भी कपड़ा ही मिलेगा आप सबको देखने को कपड़ा, बाकी नीचे ये इनका कपड़ा रखे। तो बस यही है कि मैं सब ऐसे कर कर, बाकी वो सब ऊपर है, वहाँ मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, बाकी फ़ोटो वहाँ है जो कि बल्ब के कारण नहीं दिख रहा होगा। और अब मैं चल रही हूँ जल्दी से थोड़ा बाहर, कपड़े उपड़े लाना है। बाकी यहाँ पे भी देखिए यहाँ भी कुछ चूड़ी उड़ी है, तो मैं यहाँ भी चूड़ी वगैरह सब अच्छे से अरेंज कर कर रखती हूँ। और अब मैं चल रही हूँ थोड़ा बाहर कपड़ा लाने। और आप लोग हाँ कमेंट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, वैसे तो मैं हमेशा ये सब नहीं दिखा सकती, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि हाँ मैं कैसा किस टाइप का ब्लॉग लेकर आऊँ। तो अब मैं चल रही हूँ, बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं ट्रॉली रख देती हूँ, यहाँ ट्रॉली कुछ है, कुछ ट्रॉली वहाँ है, बाकी यहाँ पर तो आप सबको मैं दिखाई हूँ कि सब कैसे कैसे सब रखा हुआ है।
तो अब चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहे बाहर। और कपड़े देखिए, कपड़े सब धोकर यहाँ डाल दिए हैं और अब इसको मैं सोच रही हूँ जल्दी से उतार लूँ। बाकी और कपड़ा ऊपर है, क्योंकि ऊपर डाला हुआ, तो आज मैं छत पर भी जाऊँगी और छत का भी थोड़ा सा लोकेशन आप सबको दिखाऊँगी। तो उससे पहले मैं चल रही हूँ ये सब कपड़े उतार लूँ, क्योंकि कल ही का धोया हुआ है और कुछ कपड़े आज हुए हैं, तो वो सब डालना है। बाकी अभी गर्मी तो काफ़ी किया हुआ, गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि अभी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा है, तो जो थोड़ा सा भी होता ना वो बिल्कुल नहीं चल रहा। तो खैर कोई बात नहीं, गर्मी है, रूम में रहते हैं तो ठीक रहता है, रूम से जहाँ बाहर आते हैं तो गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी चल रहे जल्दी जल्दी यहाँ, पहले ऊपर से सोच रहे कपड़ा लेकर आ जाते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाला उतारते हैं। तो चलिए चलते ऊपर। तो यहाँ हम चल रहे छत पे, पूरा छत पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ बाउंड्री है तो इसके इधर ही कपड़ा है डाला हुआ, तो मैं चल रही हूँ जल्दी से उतार ले रही हूँ। यहाँ से यहाँ भी नीचे देख रहा है, बाकी यहाँ पे देख लो ये जो है बड़ा सा पेड़, ये भी एकदम बहुत अच्छा लगता है। एक दिन पता है मैं छत पे आई थी, इसी टाइम था और इतना हवा चल रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था छत पे ना, इतना ज़्यादा अच्छा। और ये रहा हमारा छत, बाकी वहाँ पे चेयर भी रखा हुआ है, तो कभी कभी मम्मी जी आती है तो बैठती हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज यहाँ पे मैं सारा कपड़े उतार ली हूँ और अब मैं चल रही हूँ नीचे, नीचे का कपड़ा सारा लेना है। और यहाँ पे इतनी ना गर्मी लग रही है, लेकिन हाँ ऊपर आए हैं तो इतना ज़्यादा ये धाप फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है कि कब रूम में चले जाएं। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ का कपड़ा उतार कर और रूम में चलेंगे। यहाँ पे ला दी हूँ अब कपड़ा और अब मैं चल रही हूँ, बारी है फोल्ड करने की, तब चलते जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं और गर्मी काफ़ी है। तो गाइस कपड़ा फोल्ड कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से एक पल्स चॉकलेट खा ले, तो यहाँ पे मेरे पास रहा पल्स चॉकलेट, तो मैं सोच रही हूँ कि खाते भी रहूँ चॉकलेट और कपड़ा भी जल्दी से फोल्ड कर लूँ। तो ये वाला चॉकलेट मुझे काफ़ी पसंद पड़ता है, स्पेशली जब ट्रैवल वगैरह करो तो वहाँ खाओ, अच्छा लगता है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये वाला चॉकलेट कैसा लगता है। तो बस अब चलते हैं जल्दी से, कर लेते हैं काम। उससे पहले ये बॉटल है उसको हटाना है। तो यहाँ पे हमारी स्कूल की मिस आई है हमसे मिलने और इनको काफ़ी अच्छा लगा। कैसा लगा? और अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ बोल नहीं रही है, तो बहुत शांत शांत सी है। आएगा, आइए, कोई बात नहीं है। और ये बहुत शांत शांत कैसा लगता है, वीडियो देखती है? अच्छा लगता है, मेरी मम्मी बहुत पसंद करती हैं आप लोग का वीडियो। और आपके घर भी सब लोग देखते हैं? हाँ, सबको बहुत अच्छा लगता है, यही है। और हमको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इनसे बात भी की और मम्मी बोली थी कि जाना था वीडियो कॉल करके दिखाना रंजना मैम को। हाँ, तो मैं बात भी की आंटी जी से और इनकी बहन से भी बात की, बहुत अच्छे से बात वो लोग भी की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं बोली कि चलिए बैठते हम लोग साथ में, तो अभी आई हुई है और हम लोग बैठे हुए हैं और चाय भी की। कैसे लगा मेरे हाथ में? बहुत अच्छा लगा। मीठा हो गया होगा ना? नहीं नहीं, क्योंकि जब भी हम चाय बनाते हैं तो थोड़ा मीठा हो जाता है चाय, और आज एकदम ध्यान में रहकर हम बनाए। तो अभी बोल रहे तो खाना नहीं खाएगा, नाश्ता करके आई हूँ, नाश्ता करके आई। तो नाश्ता कर आ रही है, जितनी प्यारी ये है उतनी प्यारी इनकी आवाज़ भी है। और एकदम स्लो है, बहुत स्लो, मेरा भी तो वैसे स्लो है, सब बोलता भी है, कमेंट करते हैं कि रंजना थोड़ा तेज बोलो तेज, लेकिन अब स्टार्ट कर दिए तेज बोलना। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और अभी ये थोड़ा देर बोल रहे हैं, रुकिए बैठिए, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम उम सब फिनिश हो चुका है और कपड़े वगैरह मैं फोल्ड कर दी हूँ, अब बारी है रखने की।
तो मैं चल रही जल्दी से रख देती हूँ, और अभी मुझे डिनर का भी तैयारी करना है, देखती क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।